डिंपल डिंपल अरे जय भाई थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ थोड़ी सी कैमरा आ रहा है। जय भाई थोड़ा नीचे बैठो ना। जय भाई हल्का सा हाँ मेरे को भी लेने था। कंगना जी यहाँ पे कौन सर? कंगना जी सेंटर लोग कंगना जी कंगना जी लोग यार कंगना जी नमस्ते। अरे भाई अच्छा बोल दिया ना नीचे नीचे सेंटर लो भैया सर ये मोबाइल पीछे लेना सर सेंटर सेंटर लो सेंटर ऑल ऑफ यू प्लीज या यस सर राइट नीचे कंगना जी ऊपर कंगना जी इधर थैंक यू कहानी पे उन्होंने विश्वास किया और यहाँ पे 75% लोग उस समय पैदा नहीं हुए थे जब ये फिल्म हुई थी या जब ये घटना घटी थी। तो यहाँ पे अब उनको थैंक यू बोलते हुए हम सब की ओर से एक एक भारतवासी की ओर से धन्यवाद बोलते हुए बुलाना चाहूंगा मंच पे द वन द ओनली द सुप्रीमली टैलेंटेड कंगना रनौत लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग एक्टर। हम सबको अवगत कराने के लिए बातें बहुत हैं लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप सबसे बात करें। दिस इज अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी। आई कैन बेयरली पुट एनी सेंटेंस टुगेदर टुडे क्योंकि इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड थ्रू दिस जर्नी आई वॉन्ट टू थैंक मैनी पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्पेशल थैंक्स टू विजेंद्र प्रसाद गारू आर राइटर my mentor, the writers of this film, of course, I and Ritesh Shahji has written the film, but he has been a guiding light and he has always been my mentor, somebody to encourage me and give me my wings to fly. Through this film, we were faced with many obstacles, जैसे कि हर फिल्म में होता है, सभी फिल्मों में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और
बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको भगवान के रूप में या फरिश्तों के रूप में या एंजल्स के रूप में और दे सी यू थ्रू दोज ऑब्स्टिकल्स. आई वॉन्ट टू से स्पेशल थैंक्स टू माई कास्ट क्योंकि एवरीबडी नोज आई हैव बीन बॉयकॉटेड बाई द इंडस्ट्री. इट्स नॉट ईजी टू स्टैंड विद मी. इट्स नॉट ईजी टू डू माई फिल्म एंड इट्स मोस्ट डेफिनेटली नॉट ईजी टू प्रेज मी. बट दे हैव डन ऑल ऑफ इट. आई थैंक अनुपम जी फॉर बींग रियली स्ट्रांगली ऑलवेज बाय माई साइड. श्रेया जी, मिलिन सोमन जी शूटिंग टुडे, महिमा जी एंड अबव ऑल माई प्रोड्यूसर्स, पुनीत गोयंका जी हु हैज बीन सच अ पिल ऑफ स्ट्रेंथ, माई प्रोड्यूसर रेणु पिट्टी जी, शी हर सेल्फ इज अ वोमन और शी अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ फिल्म ऑन अ वोमन डायरेक्टेड बाय अ वोमन. ऑल द पीपल, माई ब्रदर, since I take up my duties for the nation, he has been holding the fort for me. My family, my friends, all of you media people who are here wishing and hoping me to rise again, because all of us identify with the underdog. Today, a very important person in the film who has been, again, somebody who had given me so much strength and hope, Satish Kaushik ji. हम लोग उन्हें बहुत miss कर रहे हैं. आज वो यहाँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ही सज्जन होते हैं, जब कोई इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, तो वो जाते वक्त भी किसी को कोई कष्ट दे के नहीं जाते. ऐसे ही हमारे बहुत पूजनीय, बहुत आदरणीय सतीश जी, उन्होंने अपना सारा काम ख़त्म किया, मुझसे बातें की, मुझसे फिल्म के बारे में बातें की, अपनी डबिंग ख़त्म की और इस तरह से वो गए कि हमें लगा कि जैसे उन्होंने जान के हमें जो है सोच समझ के जो है अलविदा कहा है. इन हिज ऑनर वील ऑब्जर्व साइलेंस फॉर सम टाइम. एंड मे आई कंगना, बिफोर Thank you so much. क्या रीजन था दैट यू सेड कि मुझे यही कहानी बनानी है? ऐसा कोई, ऑनेस्टली जब मैंने इमरजेंसी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैं एक बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर पर्सन हूँ. आई लाइक टू हैव डिबेट्स, आई लाइक टू पार्टिसिपेट अबाउट डिबेट्स अबाउट द नेशन, अबाउट पीपल, अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग जो 80s में बॉर्न है, हम लोगों ने ये पूरा जो फेज़ है 70s का, वो सब मिस कर दिया है. तो सुनते तो थे कि इमरजेंसी होती थी, ऐसा होता था, वैसा, तो मैंने कहा ये होता क्या था, आई शुड रीड अ लिटिल बिट अबाउट इट. सो आई रेड फ्यू बुक्स और उसमें जो मिसेस गांधी की ऑटोबायोग्राफी बाय पुपुल जैकर, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. मिसेस गांधी ने एक जगह कहा है, जब उनसे उनके गुरु ने कहा, जिडू कृष्ण मूर्ति ने, कि इंदिरा पुट एन एंड टू दिस इमरजेंसी, दिस इज़ सो रॉन्ग, आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है, एंड जस्ट एंड इट. तो मिसेस गांधी ने कहा, कोट अनकोट, कि जिडू, आई फील आई एम राइडिंग अ फिरोशियस बीस्ट हु आई वॉज राइडिंग एंड एंजॉइंग अर्लियर, बट नाउ आई फील इफ आई गेट ऑफ द बीस्ट द बी इट विल ईट मी अप. ये जो उन्होंने कहा कि अब ये दहशी दरिंदा जो ये जानवर है, अगर मैं इससे उतरी तो ये मुझे खा जाएगा, इसमें मुझे इतनी एक आर्टिस्टिक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नज़र आई. सो एज एन आर्टिस्ट इट रियली इवोक्ड एंड स्टिमुलेटेड सो मेनी इमोशंस इन मी, कि एक इंसान जिसमें कॉन्शियस होती है, कॉन्शियस होनी चाहिए, अपनी ईगो के प्रभाव में आके
फिर किस किस तरह की यातनाएं सहता है, और हम किसी चीज़ को करते वक्त उसमें चले तो जाते हैं लेकिन फिर मुड़ के क्या कभी हम उससे वापस आ सकते हैं विदाउट पेइंग अ प्राइस? सो दैट बिकेम अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड आई थिंक जो हुआ, जो लोगों ने किया वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ में इससे आज हमने क्या पाया, एक उसकी एक भी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि हमें क्या मिला. जब तक हम अपने पूर्वजों के, बुजुर्गों के, अपने ही प्रधानमंत्री के जो हैं उनके निर्णयों से, उनके तजुर्बों से अगर हमने कुछ सीखा नहीं तो फिर उस कहानी को बनाने का क्या मतलब. हम यहाँ पे चार लोग बैठ के किसी की निंदा करने के लिए तो बैठे नहीं हैं. ऑनेस्टली दैट यू कैन गो टू टीवी डिबेट एंड डू दैट, यू डोंट हैव टू मेक 100 crore फिल्म फॉर दैट. सो हम लोगों ने क्या पाया और क्या सीखा, आई थिंक एंड देर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम मिसिज गांधीज लाइफ एंड दैट बिकेम माई इंस्पिरेशन. Just one last thing. You've often talked about your strengths. मतलब अक्सर आपने सिर्फ strengths की बात की है, hope की बात की है. यहाँ पे उतार चढ़ाव की बात करना बनता है. Emergency के दौरान, इसको बनाने के दौरान, what all did you see? What all did you go through? देखिए, I think एक जो कलाकार होते हैं उनके लिए मुझे लगता है हर एक director की एक journey होती है हर film के साथ. मगर Z was going through a merger that didn't work out. उसके घर के थोड़ा सा हमें मुश्किलें हुई, बट देन रेनू जी केम, निशांत पीटी, रेनू जी, प्रशांत जी, यू नो दे आर वेरी काइंड टू बी एंड वेरी सपोर्टिव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. तो उस तरह से हम मिलजुल कर इन सब सिचुएशन से होते हुए, और फिर बाकी जी ऑल्सो यू नो इमर्ज फ्रॉम देयर अ बिट ऑफ अ लैगिंग पीरियड, एंड टुडे दे आर with us standing together and you know making this happen. Absolutely, it's a proud moment for the entire industry, ladies and gentlemen. Ek bar zordar taaliyan ho first, you know, talk to us about this collaboration and of course believing in this subject, believing in this biopic by the supremely talented actor Kangana Ranaut. Thank you, Nitin. First of all, I would like to thank everyone who's taken their time out. I hope you guys liked the trailer, and I'm very hopeful that you will enjoy the movie even more. नितिन, इमरजेंसी का जो सब्जेक्ट है आज़ाद भारत में शायद एक इकलौता ही इंसिडेंस है, लेकिन जैसे कंगना जी ने भी कहा, आज की जनरेशन को शायद वो रेलेवेंट नहीं लगता या पता नहीं है. बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग अपने देश की हिस्ट्री को जानें, और अगर एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखें तो देर इज़ मोर देन एनाफ इन इट फॉर द ऑडियंसेस टू टेक होम. There is absolute belief in the subject from our side. We are and we hope to keep standing by Kangana ji. We are back in the game, and we are very hopeful with this one. We are very proud of the product, and we hope that all of you like it. I'm sure, sir, aisa hone wala hai. Zee Studios ke liye ek baar zordar thaliyan. Thank you so much, Mesha, for sharing that with us. And now I'd like to invite on stage women empowerment ki jab baat hoti hai na, I think ye bhi ek badi sashakt nari hai. And she's stood by this project, stood by this team. Renu Pitti ji ke liye ek baar zordar taaliyan ho jayein. रेनु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Come on, ladies and gentlemen. एक छोटा सा सवाल मेरा आपके लिए, इस टीम पे क्या वो एक चीज आपने इन सब में देखी, इस विजन में देखी कंगना जी के, जो आपको लगा कि मुझे इसे बैक करना चाहिए? और सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, आप भी एक सशक्त नारी हैं, एंड कंगना जी लेंस के पीछे वहां इसे डायरेक्ट कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, इसमें एक्टिंग कर रही हैं, प्लीज बताइए. मैम ने कल फिल्म देखी भी है, इन्होंने स्पेशल इनके लिए हमने ट्रायल रखा, सो मैम कैन टेल अस हाउ शी लाइक द फिल्म आल्सो. फिल्म इमरजेंसी भारत के इतिहास में एक बहुत ही कठिन दौर का समय था, जो कि हम आधे लोग तो जानते हैं इस चीज़ को, आधे नहीं, टीनेजर्स बिल्कुल नहीं जानते, जो कि कंगना रनौत जी ने इसको प्ले करके, कलाकारी करके कितना बढ़िया दिखाया है, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो मच. और जैसे कंगना जी ने बताया, आपने फिल्म कल देखी है तो जी बहुत अच्छी लगी. ये फिल्म में खाली मनोरंजन नहीं है, ये फिल्म हमें आगे सोचने के लिए मजबूर करती है और अंत तक हमें अपने साथ बांधे रखती है. क्या बात है मैम, आई एम श्योर आज की जनरेशन को बहुत कुछ पता लगेगा इसके बाद. कंगना जी, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट?
I think, like I said, ये फिल्म जो है this will be a very informative also for people along with entertaining. It will be informative also. I'd like Akshat to speak about his experience, how he. You've been a backbone of this entire project, sir. Hello, everyone. I just try to give my best, and hopefully you guys will like it when we release it. That's it. Thank you. Like man of few words, mera content meri baat karega. Thank you so much for sharing that. Ab main bulana chahunga unhe jinhen भारतीय फिल्म जगत का दिग्गज कहें तो गलत नहीं होगा. इनफैक्ट स्टेलर कास्ट में सबसे ऊपर, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. को देखकर अगर दिल से हर इंसान चाहे तो इंस्पायर हो सकता है. उस इंस्पिरेशन को बेशक छुपा सकता है क्योंकि उनके अपने एजेंडा होंगे, मगर अगर आपको इंस्पिरेशन की हिंदुस्तान में कोई मिसाल लेनी है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और अब पॉलिटिकल वर्ल्ड में, आई थिंक कंगना रनौत इज़ दैट नेम. एंड आई नेवर हाइड दैट फ्रॉम इट. इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है. एंड आई थिंक हर जर्नी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ हर जर्नी फॉर दिस फिल्म. It's amazing the way she has made this film. हमारे उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन what makes you remember life and people is the courage. Courage is the most attractive and infectious emotion in the world, and she is so full of it, so full of it, and brilliant. मुझे लगता है कि yesterday I did the muhurat of my 543rd film. Yesterday. तो मुझे लगता है जब मैं काम करता हूँ कि मुझे अभी डायरेक्टर क्या डायरेक्शन देगा या देंगी, मगर एवरी शॉट दैट आई डिड, कंगना यूज़ टू कम विस्पर इन माय ईयर, अनुपम जी इसको ऐसे भी कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली. एंड आई वाज टू गेट अमेज्ड व्हाट एन अमेजिंग ग्रास्प ही हैज़ ऑन हर सब्जेक्ट. एंड अभी जो मैंने ट्रेलर देखा है, इट्स रिमार्केबल, इट्स एब्सोल्युटली इंटरनेशनल. हम हमेशा इंटरनेशनल को, अभी हमने एक क्लीशे बना दिया है कि जी छा गए इंटरनेशनल बना दिया है, बट आई थिंक द फिल्म डज टॉक अबाउट एमरजेंसी, द डार्क पीरियड ऑफ आवर लाइफ, बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ अ फिल्म मेकर. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर हेयर टू अपलॉड. एंड आई एम कंग्रेचुलेशंस टू जी एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू मैम. एंड ये जो बंदा चुपचाप यहाँ खड़ा, जिससे डेढ़ लाइन भी नहीं बोली गई, इसने इतनी मेहनत की है, पता नहीं शायद सबको पता कि नहीं, ये इनके ब्रदर भी हैं, बट आपने ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो कौन आ गया यहाँ पर है, बट ही इज़ वेरी गुड. एंड एवरी टीम, दिस वाज अ वेरी प्रोफेशनल टीम, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. सर कमिंग बैक टू, नहीं था, आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी एडमिशन ड्रामा स्कूल में हो गई, और चूँकि मैं आर्ट सर्कल में था, सडनली आर्ट सर्कल में, मंडी हाउस में हमारा ड्रामा स्कूल था, कमानी ऑडिटोरियम, श्रीराम ऑडिटोरियम, ये सब डांसर्स वगैरह बंगाली मार्केट के पास थे. सडनली देख एक मुर्दनी सी छा गई थी, एक साइलेंस था. तो जयप्रकाश नारायण होप थे यूथ की, होप थे नेशन की, इसके खिलाफ लड़ने की. तो ही वॉज ए माई हीरो. तो जब मुझे कंगना जी ने बताया कि मैं वो रोल कर रहा हूँ, तो आई वॉज ऑलरेडी वॉन्टिंग टू डू समबडी हु हैड डन सो मच. और जयप्रकाश नारायण जी, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, लोग हमारे हीरोज़ को भूलते चले जाते हैं. तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन शी नरेटेड मी द स्क्रिप्ट, आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड शी ऑल्सो गेव मी लॉट ऑफ लिटरेचर. आई वेंट बैक टू ऑल द लिटरेचर दैट यू रीड, एंड देन आई थिंक इट्स कम आउट वेरी वेल. इट्स
come out beautifully, sir. And I think credit jata hai puri team ko, of course, writing department ko, jo research ki gayi hai, jo yahan pe dikh raha hai, jitna bhi abhi tak humne dekha hai, it's beautiful. Ab manch pe bulana chahunga main yahan pe ek aur bahut hi kamal ki adakara hai. Of course, 8 saalon baad bade parde pe mujhe suna hai, maine unhe dekhne ko humko milega. And you know, shabd kam pad rahe hain unki khoobsurti ke liye, unke talent ke liye. Jab debut kiya tha, tab se ab tak hum sab ka dil jeeta hai Mahima Chaudhary ji ke liye. Welcome Mahima ji, so good to see you. Of course, आपसे आपके किरदार की बात मैं जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी डायरेक्टर साहिबा की बात करना बनता है. 8 साल बाद वापसी, ऐसा क्या था, किस तरह कन्विंस किया आपको, वो क्या देखा आपने इस डायरेक्टोरियल में कंगना रनौत के, जो आपने कहा कि मुझे तो ये करनी है. I've always found Kangana a very, very talented actor. I've enjoyed her cinema. And I must say, she's, you ask me, female director. It was different. It was not just female director, it was female producer who's also playing the lead and playing a lead character of a personality like Mrs. Gandhi, who's known so well in the nation and worldwide. And a lot of people have played Mrs. Gandhi, but the way she's played it, the work that she has done on not just her looks, but the walk, the stance, her mannerisms, the twitching of the lip, her voice, which is amazing. So it's one of the best portrayals of Mrs. Gandhi, I must say. And I've been a fan of Mrs. Gandhi because America is still wanting a leader who's a female, but we had one so long ago. And yes, she had a lot of good, and she made some mistakes like the emergency, and which is why it was important to tell this story. But going back to Kangana, yes, working with a person who's the lead actor, playing such an important role, director, producer, and in the midst, I finished one schedule and came back and read, she's also turning financier, selling her house. And after I finished the film, I see that she's gone to run for elections and then won the elections in a constituency which belongs to a certain family for years, and now she's back. Mahima ji is very kind, so, but coming back to your question, how I cast, if you see my casting of my film, everybody is so much closer to the real people. Yes. You can see that. So Pupul Jaikar was a very strong influence on Mrs. Gandhi's life. So much so that she was like a sister, like a guru, like a you know, like a twin soul, you know what you say that? You know, she was like a soulmate to Mrs. Gandhi. And she was a highly intellectual woman. She was also a cabinet minister. She was into preservation of culture and art. So I needed a very soft, kind demeanor and also very sophisticated sort of a body language. And a very kind face, you know. So I think, and I was just going crazy with wanting to cast somebody who has a very kind face and very motherly face and very kind. So I was not able to cast, and we had also started shooting also. So I was one day discussing with Anupam ji also, and then like, I said, would she want to work with me? And then I spoke to Mahima ji, and she came, and we did some trial look test, and you'll be shocked to see how beautifully she has portrayed Pupul Jaikar, and how close, I mean, of course, you can never match the face, but you have to match the spirit, and that's what we went with. We always worked on the spirit, and I think she's that person. If that one line that Sanjay, the way she says, she's really sorry about to say that, but she has to say what she has to say. That is Pupul Jaikar in Mrs. Gandhi's life. She tells her straight on her face, no matter how much hate she's going to get for that. So I think Mahima ji is so wonderful in that role. Thank you so much. Thank you, Jim. He's playing this most loved leader of Indian politics. Main unhe rajneetik, you know, unke galiyaron mein, rajneetik galiyaron mein,
हर इंसान ने उनकी तारीफ की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शेर साहब, शुरू से शुरू करते हैं। द मोस्ट लव्ड स्टेट्समैन है ना, उन्हें सब प्यार करते हैं, हर कोई उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है, एंड उन्होंने प्रूव भी किया है दैट ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। वो किरदार निभाना और कंगना जी का आपको इस बारे में बताना, थोड़ा सा वो बताइए हमें। नमस्ते। आपने अभी अटल जी के बारे में इतना सब कुछ, अगर अटल जी को वो नर्वस कैसे दिखते हैं तो वो अभी देख सकते हैं हम। बट यू नो, पहली बार जब कंगना जी ने बताया कि यू नो आई वांट टू प्ले अटल जी, मतलब आई हैड अ लंप इन माय थ्रोट, गूज़बम्प्स। आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, आई डिडंट नो व्हाट टू से। आई गेस फॉर 5 मिनट्स आई वाज जस्ट सिटिंग देयर क्वाइटली थिंकिंग कि ये मतलब क्या पूछ लिया इन्होंने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड इसलिए नहीं कि वो जो बोल रही थी कि नहीं कोई नहीं मेरी टीम मेरे साथ है, ऑफकोर्स अनुपम जी ने जैसे कहा, शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन, ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी, डेफिनेटली शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन। एज एन एक्टर ज़्यादा हमने उनका काम देखा है, पर जब सेट पे गया और सेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया था, यू नो ट्रू टू गॉड आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन जो उन्होंने अटल जी का भी होमवर्क किया था और जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और ऐसे ही शॉर्ट के पहले कान में आके धीरे से कुछ यू नो मरमर करती थी, और एक बार तो मैं रिहर्स कर रहा था अपनी लाइनें और उन्होंने आके, और मैंने फिर टेक में कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की, उन्होंने आके कहा जो रिहर्सल में आप कर रहे थे ना चुपचाप वही कीजिए। सो शी इज़ ब्रिलियंट सीरियसली, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और आई गेस अटल जी जब प्ले करने का मौका आया तो वो आसान हुआ मेरे लिए सिर्फ कंगना की वजह से। आई थिंक आई डोंट नो एनी अदर वे, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, यू नो मुझे डायरेक्टर जिस दिशा में चाहे वो ले जा सकते हैं, एंड आई एम मोर कम्फर्टेबल इन दैट मैनर, यू नो। एंड आई थिंक द वे शी हैड प्रिपेयर फॉर द एंटायर थिंग, एंड जैसे महिमा ने भी कहा कि एक ऐसी फिल्म, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा किरदार, इसमें पोर्ट्रे करना, डायरेक्ट भी करना, प्रोड्यूस भी करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना, आई थिंक अगर पुष्पा का थर्ड पार्ट आएगा तो आई थिंक कंगना शुड प्ले दैट पार्ट, बिकॉज झुकेगा नहीं इस साला कभी भी, यू नो दैट इज वॉट शी इज फॉर ऑल ऑफ अस, शी इज वंडरफुल, शी इज वंडरफुल। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फिल्म। एंड अनुपम जी, वेरी राइटली यू सेड इट इज, इट लुक्स लाइक एन इंटरनेशनल फिल्म, इट लुक्स लाइक एन इंटरनेशनल प्रोडक्शन। तो ऐसे सब्जेक्ट को अलग तरीके से भी पोर्ट्रे किया जा सकता था, लेकिन जो हमने ट्रेलर में अभी देखा, आई थिंक इट इज ट्रूली इंटरनेशनल, एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। बड़े सारे और सवाल जवाब हैं, लेकिन उससे पहले इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप विद दिस टीम, एंड देन वील गेट द चेयर्स।
आपके पास आ रहा हूं मैं कुछ सवालों के लिए, जैसा कंगना जी ने बोला है यहाँ पे. सर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक एक सवाल मेरा है कंगना जी के लिए. ये थोड़ा सा हटके हो सकता है यहाँ से, ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है थोड़ा. यू नो इमरजेंसी यहाँ पे बात कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बोलने से रोका गया, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करें, उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया गया था, बोलने नहीं दिया जा रहा था. आपको कभी ऐसा लगा आपकी फिल्मी जर्नी के दौरान कि आपके ऊपर इमरजेंसी लगाई गई है? अभी अभी लगाई गई है. मुझे अभी अभी मेरे पीआर टीम ने कहा हुआ है कि वी विल नॉट ओपन इट टू मीडिया, आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, सोचिए. सो आई अनुपम जी सेड नो नो ओपन इट टू मीडिया, ये हमारे दोस्त ही हैं, हमारे मित्र ही हैं, यहाँ इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है. तो आई थिंक वी विल ओपन इट टू. एंड कंगना जी भी, कंगना जी उन्होंने सबको बता दी ये बात. जोरदार तालियां फॉर दिस टीम. अनुपम सर एक सवाल इससे पहले कि हम मीडिया के अपने फ्रेंड्स के पास जाएं, आपने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि इस फिल्म के लिए जहां तक अवार्ड्स की बात की जाए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड हो, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड हो, सब कुछ इस बार यहीं जाने वाला है. इनको जिनको ऑलरेडी 4-4 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, क्या बोलना चाहेंगे सर? इनको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर एक और मिल जाए. आई थिंक उससे पहले आई वुड लाइक टू ऑल्सो से दैट कंगना जी ने शुरू बात में कही कि बहुत सारे लोग इनके साथ काम शायद नहीं करना चाहेंगे. आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पे रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है. तो हाउ कैन एनीबडी इग्नोर वॉट यू हैव. So, after this film, everybody will quietly send you messages कि मुझे भी काम करना है आपके साथ 100%. But मैंने आपसे इसलिए कहा कि सवाल सबसे पूछने देने चाहिए, because you have been a person who have answered questions. And we will try and, since I suggested it to you, we'll try and sort of restrict the questions only to emergency, the film. Then I think that will be, because varna kya hai, hum inhone itne paise kharch kiye hain zee walon ne, baki logon ne, aur fir baat wo niklegi bahar jo aap. Nahi, it's only that people jo ki people who are waiting. ऐसी तो कोई बात नहीं है. क्या बात है. ऑलराइट, सो कहां से आ रहा है पहला सवाल? जी but and like films based on real life events, and I wasn't born when emergency happened. But this kind of serious subject, you're saying it's going to be entertaining also. I see only seriousness in the subject. I don't think so it'll be entertaining. It'll be only informative and a lesson for the youth that this could be the state if there is a leader who doesn't take the right decision at the right time. So what do you have to say about that? Because I feel it is not just entertainment, it's a lot of information involved and very good history involved. So it depends if you are looking for a kind of a Bollywood film experience, that you'll have a lot of it. But if you are a person who has liked films like, if you like films like Iron Lady, or The Darkest Hour, or Andhi, or Rajneeti. You know, if you have a taste for a little bit more intelligent cinema, if you are a person who's more invested and engaged in the nation, if you are somebody who has other dimension to your personality, other than just, you know, getting ready and eating and all that, you know. So if you have little more to you as a person, it'll engage you. You know, because we have a human has so many dimensions to them, you know. We have a physical dimension, emotional dimension, mental dimension. We have so many dimensions. Like,
but also art is subjective. What you like as art may not appeal to me. You know, I can only make what appeals to me. I can't make what doesn't appeal to me. You know what I mean? The same way, the same goes for other filmmaker, whoever is making. But the good thing is, for an audience, you know, you should get like a spectrum of films to see. You know, like a spectrum of, information or film and backdrop. That's why today when I wrote in a post that, welcome to the world of my perception. As an artist, we can only open the world and the doors of our perception to you. You know, I can't second guess your perception and try to please you. So as a filmmaker, this is my world. Of course, there's a fear of being dejected. There's a fear of being rejected. And even if it does very well, you know, there will still be people who it won't appeal to. And the same goes for the biggest successful films. You know, they could be the biggest blockbuster, but there will be so many people it will not appeal to. Because art is subjective. So when we sit in a theater, you can't please everybody. But is it entertaining? Yes. Is it engaging? Yes. How much it engages and entertains, that is about the personality to a person. Hello. Hello. Namaskar. Yahan se Kangana. Namaskar. Rekha Khan bol rahi hu Navbharat Times se. जी आप रेखा जी बहुत दिनों बाद दिखे आप. हाँ आप बहुत हसीन लग रही हैं. आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं. जी श्रेयस जी अनुपम जी महिमा जी आप सबको मेरा नमस्कार. हमारे बारे में भी बोलिए कुछ हम कैसे लग रहे हैं. अनुपम जी आप तो हमारी इंडस्ट्री के सदाबहार एक्टर हैं. अब आपकी तारीफ में और ये जवान ही होते जा रहे हैं. एग्जैक्टली इनको देखें ये और सुंदर होते जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी. ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और बहुत एंगेजिंग है और फिल्म का बहुत इंतज़ार है. तो बहुत सारी मेरी बधाई आप लोग स्वीकार करें और शुभकामनाएं. कंगना जी मेरा सवाल आपसे है. जैसे कि अभी आपने कहा कि एक पूरे करियर में एक बहुत अलग तरह की एक इमरजेंसी, एक आप पे एक प्रतिबंध, एक रोकना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई और बहुत सारा फिल्म के दौरान भी. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा क्या थी, जो कि मतलब नहीं हार नहीं माननी है, वो जो जज्बा है वो आप में कहाँ से आता है, कैसे आप उसको मतलब कैसे लड़ती रहती हमेशा? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो इंस्पिरेशन यही होती है कि जब आपने कोई कमिटमेंट कर दिया है, यू नो यू हैव कमिटेड योरसेल्फ टू इट, तो आपको यू हैव टू सी इट थ्रू. इट्स अ बेबी दैट यू कान अबेंडन मिडवे. वही सबसे बड़ा कमिटमेंट और वही सबसे बड़ा आपको जो है एक इंस्पिरेशन रोज़ मिलता है कि भाई मैंने इसको कमिट किया है. एंड यू नो आई एंड सो मेनी पीपल आर कनेक्टेड टू यू, जो कि आप व्हेन यू आर द लीडर ऑफ द टीम, व्हेन यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, वो सब आपको इतना मतलब सपोर्ट करते हैं ना. कई बार उनके लिए, कई बार अपने लिए, कई बार लोगों ने जो इन्वेस्ट किया होता है उसके लिए, कई बार जो आपकी कहानी होती है वो आपको बुला रही होती है. एंड इट्स वेरी कंपेलिंग. वो कहानी आपको जीने नहीं देती, उठने बैठने नहीं देती. तो कई बार वो ये सब मिलके ना एक बड़ा अच्छा एक इंस्पिरेशन, एक मोटिव का वो बन जाता है. फॉर माय एक्टर्स आल्सो प्लीज क्वेश्चन एंड फॉर द प्रोड्यूसर आल्सो. हाय एवरीवन. To your left, yeah. Hesha, this side from India today. First of all, congratulations, everybody. It's an absolutely stunning trailer, very intriguing, and happy to see all of you all. Kangana, happy to see you. Anupam, so happy to see you, and everybody else as well. I have two questions, and first I would like to direct it to you, Kangana. Since you've also been a director on the film, you've produced it, you're an actor, at that given point in time, what was your temperament like on the set? That's my first question to you. And between action and cut, what were you aspiring to do? Because you were actually depicting somebody else's character who's been a part of, you know, our reality, and you sort of had to put that in real life. Talk to me about that, please. See, when you have to, I can give you a trick. When you have to be a highly demanding job, it's highly demanding on your temperament, physically, emotionally, mentally. It is too much for anybody to expect you to be at your, you know, sort of the best in terms of, you know, communication, in terms of your temperament. It's very unrealistic, because there are so many
more than good news, bad news keep coming into your ear, you know, but now this is not happening, you're not getting these dates, that equipment is stuck, or the rain is, the set is flooded, this is dripping, like every time you're like, so you can have like a small group of punching bags, which are like sitting at Aditya, like, you know, like my direction team, you can make a like small group of punching bag. So you can go like sort of, you know, remove your frustration, punch, 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 punch. And then you turn to Shreya, gee, sir, what was your question? And then the same goes for, you know, so sir, would you try another take? And then you turn and you again can, you know, so obviously there are people who are there to help you. Of course, my direction department. And they were also, you also need a family member, you know, there, because the finances and the things of, you know, where you can trust somebody with all of that. And then regular visits from my sister. You also need to gossip. Now, how do you do that? So you have a mix of everything going and you just kind of make yourself get through it. You know, you can't expect to just plan it, because it's a location is going to be different every time. The scene is going to be different. Season is different. Actor is different. How are you going to plan a job where nothing is fixed? Hours are different, and if yesterday you had like a wig didn't working, today you'll have maybe the crane is not stable, and it's not stable. Everybody's doing everything, but it's just not stable. So every day there's a new challenge. You need to have your people around you who you can trust, who are okay with you, and who love you. Like Anupam ji, every time he will come and he'll just make me laugh, laugh, laugh. There are just so many jokes. So of course people support you, Shreya sir. You know, so it's very important to work with people who make you at home, you know, who love you and who respect you. Hi Kangana, Samina here from Zoom channel. My question is to you, this side, over here. Center. Hi. My question to you is that while you are working in emergency, you have also balancing a career in political world. When you speak, you know, so many times on social media also, you have raised concerns of women having, you know, quite difficulties while having a stronghold in the political world. How are you, managing that? And apart from this, after the world of acting, are you going to continue the world of acting? Will you still be an actor, or would you focus on your world of, you know, political journey completely? For us, we're in very good times that we also have very supportive people, especially with the Women Reservation Bill, 33% of reservation. So right now the situation, in especially next election, is going to be that we won't have enough women. You know, please understand, 33% will be a huge number in the Raj Sabha, Lok Sabha, for all sort of elections, local elections, panchayat election, all of that. I think in panchayats already 50%. So we won't have enough women. So I like women to be inspired to be in this field, and for whether I would continue to act. I think this is a question where I would like people to decide that. Like, for example, I never said I want to be a leader. People should say you should be a leader. You know, whether a party does surveys or whether a party, whatever the criteria to give you a ticket, you know, it was people's choice that I should fight the election. Now, tomorrow, if emergency works and if they want to see more of me, if I, I feel that I can have success, I will continue as films. Otherwise, if I feel that I have more success in politics, and I'm needed there more. The thing is, essentially, we go where we feel needed. You know, we feel respected and valued. So I will let life decide for me. I have no such plans that I have to go here or there. No, I'm fine anywhere. I'm needed to do whatever is needed. More questions for other cast, please. Otherwise, we are happy you answering all the questions. No, yeah, otherwise, we'll close. We are supporting cast. The name of the film is. Hello. Yeah. Sir, did you cross way? Cross your path or engaged with people who have met Atalji in their personal life? No. I didn't do that. Like I said, of course, I did my own bit of research about him. And and it's not a biography on Atalji. It is a period that we're showing on Emergency and about Indiraji. So I trusted my director more on that. You know, because
what the vision that she has, unko kya dikhana hai, unko Atal ji ka kaun sa portion dikhana hai, kaun se age group ke Atal ji hai, us waqt wo kaise the, kitne dynamic the, kya kya karte the, wo unke dimag mein jo vision hai, that was more important for me than me going with something that I have already learned ki nahi Atal ji to aise hi the. Because you know 75 mein actually teen important ghatnaye hui, ek to emergency, एक शोले और तीसरा श्रेयस तलपदे का जन्म. ओके, सो शोले हम जानते हैं, यू नो श्रेयस तलपदे को कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते. वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है. और उस दौरान क्या सिचुएशन थी, उस दौरान जो लीडर्स थे उनका क्या रवैया था, वो आई गेस आई ट्रस्टेड माई डायरेक्टर मोर इन दैट रिस्पेक्ट एंड आई जस्ट वेंट विथ हर कन्विक्शन एंड हर विजन देन एनीथिंग एल्स. सो I didn't really meet anyone. I did my part. I studied it, and then I went with her conviction. That's it. Great answer. My second question is for Kangna. Kangna, आपने पहले भी एक movie में एक political leader play किया था Live में, और अभी आप emergency में एक और political leader play कर रहे हैं. दोनों की obviously individual journeys बहुत different हैं. But as an actor, दोनों को play करने में और especially for this role, which is so iconic, how different was it to play Indira Gandhi? Like, but you are playing a politician. For me, the highlight of Emergency to direct it, honestly. I was just done acting, you know. I was not interested in acting anymore. Because I had done just way too many films. And at least I felt that way, that I have to do something else. So the highlight of it for me is to direct. And like Shreyaji said that, that you know, for me, I did not have any special love for Indira ji's character. I had the same amount of love for JP ji's character or Atal ji or Pupul or, you know, Milind Soman ji's character. So I love that. I love the part of me who loves to make movies and telling a story. So I failed to see her in a special light, to be honest. That when you ask me about her, especially when we do a film, like now we talk about Thalaivi, like only Thalaivi stands out for me. And I don't know any other journey, even though, you know, Raj Arjun sir, there were so many great characters, but wahi mere liye utke aate kyunki maine hamesha usi pe hi focus kiya na, I was just an actor. But when you talk about emergency film stands out for me, and I forget what was my process for the actress and all of that. Whole film stands out for me, and I love the whole film. I love every character, and I love every frame of the film. So I don't know how to answer this question. Kangna, your center, Rahul here from the Filmi Charcha, your center. Trailer dekha humne, bahut hi kamal ka trailer hai, aur aap ubharte hue kalakar to bahut pehle se hain, abhi ubharte hue director bhi bante ja rahe hain aur producer bhi bante ja rahe hain, aur challenges lena aapko bahut pasand hai. Kya direct karna, produce karna, koi aise actor hain aapke nazar mein jo bahut difficult hoga? Kyunki bahut टाइम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लोगों की नज़र में है कि तीनों खान को कौन साथ में डायरेक्ट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि एक बहुत करना चाहेंगे, डायरेक्ट करना चाहेंगे. आई वुड लव टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट अ फिल्म ऑन ऑल थ्री खान्स, एंड आई वुड ऑल्सो लव टू यू नो शो द टैलेंटेड साइड ऑफ देयर्स where they can act and they can also look good and they can also, you know, do something which is very significant to the society. I would love to make a film like that because I think they are very talented. And also what they're doing, of course, they're adding a lot of revenue to the industry and we should be eternally grateful to them. And also they are engagement. But also, I think there is a very artistic sides to all three of them, which has not been explored other than just in few films. And I would love to explore that with so many actors. And one actor I would always regret not being able to direct is Irfan Khan Saab. He is one of my favorite Khans, and I would always miss him. Yeah. Hi, this is Sohail on the left. Kangna, you and the entire team of Emergency are very, you know, बहुत बहुत बधाई हो आपको. अनुपम जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसे आपने कहा था कि इस फिल्म के बाद कंगना को, जैसे एक लोगों का एक गलत धारण है कि यू नो बहुत से लोग उनके साथ या ये उनके साथ काम नहीं करना चाहते, इस फिल्म के बाद लोग करेंगे. मैंने नहीं कहा था, वो इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा, लेकिन आपने जब पुट अप किया था
तो कंगना मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि हमने देखा था कि यू नो सलमान खान को भी लाइक ही इज अ पर्सन इन द इंडस्ट्री हु हैज बीन मिसअंडरस्टूड अ लॉट लाइक यू नो व्हेन ही आल्सो हिमसेल्फ सेज. तो डू यू फील आप भी उसी तरह के उसी मतलब यू नो लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया? और मैं अनुपम जी आपसे भी उसमें कुछ ऐड अप करना कि आप कुछ उसमें अपनी राय दें. दुनिया में आपकी ज़िंदगी में 3-4 लोग या 5-6 लोग ही होने चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करें, बाकी जाए भाड़ में. एनीबडी हु ट्राइज टू प्लीज एवरीबडी एंड एवरीबडी एनीबडी हु ट्राइज टू बी फेवरेट ऑफ एवरीबडी इज फेक. पॉसिबल ही नहीं है. आप एक दुनिया का एक आदमी बता दीजिए, लीडर बता दीजिए, भगवान बता दीजिए, ये बता दीजिए जो जिसको सब पसंद करते हैं. ऐसा कोई है ही नहीं जिसको सब पसंद करते हैं. आप कितना दूसरों पर डिपेंड करते हैं कि सब मेरी तारीफ करें, सब मुझे अच्छा पसंद करें. ये जितनी जल्दी आपको जीवन में और खासकर हमारे प्रोफेशन में समझ आ जाए उतना अच्छा रहता है. कंगना जी आप कहना चाहोगे यू आर अ वन मैन आर्मी लाइक हमें ऐसा भी कह सकते हैं, और जैसे कि आर यू मिसअंडरस्टूड एक्चुअली यू नो मतलब आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन कुछ और चीज़ें कभी लोग अलग तरह से लेते. सलमान खान के साथ आप थोड़े क्लोज भी हो गए हो इनफैक्ट लाइक ऐसे हमने देखा है पिछले दिनों. तो व्हाट हैव यू टू सी ही इज आल्सो मिसअंडरस्टूड मैन, यू आल्सो फील इट लाइक दैट? आप देखिए ना आई थिंक ऐसा नहीं है. अगर सलमान जी को देखें उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितना प्यार करते हैं लोग उनसे. आई थिंक ही इज राइट नाउ द टॉप मोस्ट लव्ड स्टार इन द कंट्री. जिन लोगों को उनसे प्यार है उनसे प्यार है. अब जिन लोगों की आंख में वो खटकते हैं वो तो उनसे नफरत करेंगे ही ना, जो लोग उनके कंपटीशन के हैं या फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात कर रहे हैं ना आप, उनकी आंखों में तो वो खटकेंगे कि हम उनकी जगह पे होने चाहिए या वो उस जगह पे क्यों है. तो ऐसे तो लोग लोगों की आंखों में वो खटकेंगे. लेकिन आप जनता को देखिए. अब मैं किससे शिकायत करूं? अब मेरी चाहे वो आप देख लीजिए एज अ पॉलिटिशियन मुझे इतना हर जगह प्यार मिलता है. चाहे मैं महाराष्ट्र में देखूं मुझे इतना प्यार मिलता है. मैं पार्लियामेंट में जाती हूं इतना लोग मुझे ऑपोजिशन के लोग कितना प्यार करते हैं ये देख के मैं इतनी हैरान होती हूं. मुझे बिठा लेते हैं अपने टेबल पर, उठने नहीं देते. अरे आप हमारी भी हीरोइन हो, हमने आपकी फिल्में देखी. अरे वहाँ नहीं, उस टेबल पर नहीं बैठना, इस टेबल पर बैठो आप. सो मैं सोचती हूँ कि कैसा लगेगा कि मैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ नहीं बैठ के हमेशा ऑपोजिशन वाले मुझे अपने टेबल पे बिठा के रखते हैं. हमेशा हमें फिल्मों के बारे में बात करते रहते हैं. अब मेरे मंडी का इलेक्शन मैंने जीता, पहाड़ों में मुझे इतना प्यार मिलता है, लोगों से इतना प्यार. कुछ जो लोग हैं नेगेटिव लोग जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जिन्होंने ऑब्वियसली उनका एक अपना एक सर्किट है, एक सर्कल है, उनकी आंखों में तो मैं खटकूंगी क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे अपने लोग इस जगह पे होने चाहिए और कंगना नहीं होनी चाहिए. हमारे अपने चाहे वो उनके अपने ग्रुप के हो गए, गैंग के हो गए या फैमिली के हो गए, वो उस टाइप. उन लोगों को क्यों हम संबोधित करें यहाँ पे? इतना 90% लोग आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आप 10% पे फोकस करना चाहते हैं जो कि हमेशा खुराफात करते रहते हैं. आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू लुक एट लाइफ. आज की सभा समाप्त करें. हेलो, एक सवाल फिल्म जी आइए मैम. एक लास्ट मैम सेंटर हेलो हेलो. आप पहले तो मैं बताता हूँ आप बहुत ही जबरदस्त चीज है आप हैं आप. आई लाइक यू फॉर योर एंथुजियाज्म और भगवान आपको ऐसा ही रखे. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. दिस इज व्हाट. हाय महिमा मैम. आप इस फिल्म उतरने मत देना हमारी ये फिल्म. आपका नाम क्या है? संतोष भाटिया जी की जिंदाबाद है आप. आप इमरजेंसी अपने थिएटर से उतरने ना देना बस. हेलो मैम, पहला जी को बताऊंगा मैं. संतोष जी नमस्कार. आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया. सबको एक एक टिकट मिलेगा यहाँ पे संतोष जी की तरफ से. आइए मैम. हेलो महिमा मैम. सेंटर सेंटर जी सर, मैं दीपेश पांडे दैनिक जागरण से. एक सेकंड. हाय महिमा मैम, आई एम तिताश्रम न्यूज 18. इट्स लवली टू सी यू बैक. And the little glimpse that we saw, I'm sure there's lots in store. But tell me, how was it, you know, what has changed after so many years? How was it really, you know, coming back? You're talking to me? Yes, yes. Oh, it was wonderful. Like I said earlier, that seeing a woman today in the industry handle so many things, and she says she was agitated. I never saw that. I even asked her, I said, how is it you keep calm? And she says, I have hired people who are very good. And she did that. She did a lot of hard work and
a lot of homework and got the best team together. So I found that very inspiring, and it was a very, very joyful time for me, and I think a gift, because I went back completely thinking to myself, I can have no excuse, you know, because I'm very good at doing nothing, and all of us are. And looking at one person do so much, you know, you oscillate between being envious and being inspired. So it was a wonderful experience for me. Kangana, you want to say something? I think she has just been too, you know, gracious and kind. Honestly, I think I have been the most privileged director ever. And the reason being that I had the best of the world. I had some of the most, you know, most cherished and celebrated artists, even Academy Award winning people. The person who has done prosthetics for me, David, he's done prosthetics for Gary Oldman in The Darkest Hour, and he's won Oscar for it. And the person who's done cinematography for us, he's done Love and Rose. His film also got Academy Award. We had so many national award winners. Today, if you think about my cast, you know, Mahima ji for Pupul ji's role, Anupam ji, I mean, who greater than Anupam ji for J. Prakash Narayan's role? Shreyas ji for, matlab isse acha aap mereko India mein bataiye aur world mein bataiye aur isse behtar aur kya ho sakta hai? Fir bhi aap achhi film nahi banaye to fir nanat hai aap pe. I must share because you spoke about Satish Kaushik. तो मैंने कंगना के साथ पहले काम कर लिया था सतीश की शूटिंग से पहले. तो एक्टर्स में आदत होती है पूछने की कैसी है तो कैसा काम करती हैं. पहली बात तो लेट मी टेल यू वन सीक्रेट. ऑल द एक्टर्स हु नो अ लिटिल जॉब ऑफ देयर एक्टर्स ऑफ एन एक्टर, वो पहले दिन डिसाइड कर लेते हैं इस डायरेक्टर की सुननी है कि नहीं सुननी है. पहले शॉट से डिसाइड हो जाता है. तो वो कितने भी कोई भी हो तो इनका डिसाइड हो गया था कि इनकी सुननी है. तो सतीश का काम जब आया, जब सतीश जी ने रोल किया तो मेरे को शाम को फ़ोन करके उसने बोला, कमाल की डायरेक्टर है यार, कमाल की डायरेक्टर है. हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, हम इतनी फिल्में कर चुके हैं, लेकिन शी इज़ माइंड ब्लोइंग एंड ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी here today, but thank you for observing a one and he himself is such a successful director. Yeah. और मेरे सेट में से, मेरे पूरे सेट पर से इतने शौक से, इतने प्यार से खुद को अपने आप पे स्क्रीन पे कोई नहीं देखता था जितना सतीश जी देखते थे. जब वो अपना शॉट देखते थे, है मेरा शॉट, प्ले करो यार प्ले करो, और इतना खुश होके देखते थे, उनकी आंखों में जो ग्लिटर होता था अपना शॉट देख के, मैं कहती थी वाह, कि मतलब कोई इंसान खुद से इतना प्यार कैसे कर सकता है. लिटरली उसके पीछे एक और कारण था, वो देखता था कि अनुपम ने कहीं मुझसे ज्यादा अच्छा तो नहीं किया. But thank you, and thank you for remembering Pradeep Bandekar, a wonderful face among the crowd. Sometimes we see photographers in a crowd of 20, 50 people, but you must remember that actors remember them as individuals. So you are not a face in the crowd. You are an individual who is a brother of somebody, who is a husband of somebody, who is a son of somebody, who is a father of somebody. So I do feel on behalf of the team of Emergency that we miss Pradeep whenever I see him. Thank you so much, sir. Thank you, Kangna ji, Shreya sir. Thank you so much, Mahima ma'am, Umesh sir, of course, with the team.